जब घर पे कुछ ना हो तो सिर्फ अंडे और आलू से बनाइए ये मजेदार रेसिपी। आपको तो अच्छा लगेगा ही और आप जिसे खिलाएंगे वो भी आपकी तारीफ करते नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 अंडा लिया है और 2 बॉयल आलू लिया है। आलू को छील के हमें इस तरह से घिस लेना है या कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हो। तो आलू को हमने घिस लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन लेंगे। सारे चीज़ों को एक बार इस तरह से मिला लेना है। आप चाहे तो हाथों से भी इस तरह से इसे मैश कर ले और मसाला के साथ में इसे अच्छी तरह मिला ले। इसे हमने मिला लिया है और जो 3 अंडा लिया था अंडों को अभी ऐड कर देना है। साथ में हम डालेंगे बारीक कटी हुई 2 चम्मच प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और इन सारे चीज़ों को फिर से अच्छी तरह फेंट लेना है और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। इसे साइड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इस तरह से एक डीप पैन हो तो अच्छा रहेगा। पैन में ऑयल डालने के बाद ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर गैस को कम कर देना है। अब हम इसमें सारे बैटर डाल देंगे और इसे हाथों से थोड़ा चारों तरफ सेट कर देना है। अच्छी तरह इसे सेट कर दिया है। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। ढक के पकाने से ये थोड़ा फूल जाते हैं और देखिए पतला चम्मच से आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे आराम से आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप इसे पलट दे। ऑपोजिट साइड चाहे तो आप ढके चाहे तो नहीं ढके, और ऑपोजिट साइड भी हमें अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। देखिए जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा अपने आप पैन छोड़ने लगेगा, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे काट लेंगे, जैसे कि हम बर्फी काटते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी काट सकते हो। देखिए इसे हमने काट लिया है, साइड कर देंगे। अब हम इसका रसा या ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने फिर से 2 मीडियम साइज के आलू लिया है। आलू डाल देंगे और आलू को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो ऐड ना करें, मगर एक बार आलू डाल के इसका ग्रेवी बनाकर खा के देखिए, अच्छा लगेगा। इस ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ती, 2-3 हरी इलायची, 1/2 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी। थोड़ा रोस्ट होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई मीडियम साइज के प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। जैसे ही प्याज भून जाए हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। फिर हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी बस मसाला के साथ में मिला लेना है। इस समय गैस को हमें एकदम लो फ्लेम पर रखना है। फिर हम इसमें 1/2 टमाटर का पेस्ट डालेंगे, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर से हमें सारी चीज़ों को मसाला के साथ में तब तक भूनना है जब तक कि ना टमाटर का पूरा पानी सूख जाए। तो देखिए मसाला से ऑयल निकल रहा है, मसाला तैयार है। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। आलू डालेंगे और मसाला के साथ में आलू को भी 1-2 मिनट या थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे एकदम लो फ्लेम में और 5 मिनट तक पकने देंगे। इससे क्या होगा, आलू हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है और मसाला भूनते भूनते कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, इसे मिला लेंगे। तो हमारा ग्रेवी बनाने के लिए मसाला एकदम तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करें। सारे चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे और ग्रेवी में बॉयल आने देंगे। ग्रेवी को 2 मिनट बॉयल होने दिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर। फिर से इसे
ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह मिला लेना है। इस तरह से मसाला मिलाने से अब हम जब अंडे डालेंगे तो सारे मसाला अंडे के अंदर तक चला जाएगा। अब हम एक अंडे की बर्फी को डाल देंगे। सारे बर्फी को हमें डाल देना है और अब हम इसे हल्का हाथों मिलाना है ताकि ये टूट ना जाए। अच्छी तरह बॉयल आने देते हैं और गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है। अभी इस समय फिर से हम एक चुटकी गरम मसाला और एक चुटकी भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे। लास्ट में थोड़ी सी जब मसाला डालते हो ना तो फ्रेश मसाला की खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे फिर से लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही आसान सा रेसिपी है और बहुत इजी तरीका बताया है, एक बार ट्राई करके देखिए। अंडा करी तो आप रोज ही बनाते होंगे, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, सच में आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।